जब 8वां महीना चल रहा था 2019 का, तब ये टूरी शुरू हुई थी भाई, बहुत खतरनाक। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता है कि स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन दो बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। अब आपको तो लग रहा होगा मेरी बलि चढ़ा दी होगी, पर स्टोरी आगे भी। तो आपको तो पता चल गया होगा कि मेरा स्कूल तो कब्रिस्तान के ऊपर है। अब मैंने सोचा यहाँ पर घर बैठे बैठे क्या करूँ, फिर आइडिया आया, गूगल बाबा से पूछता हूँ। हम दोनों फुसअप लगाते, एक तरफ गूगल बाबा है एक तरफ फुसअप। मैंने टोले सोले देखे, कुछ नहीं थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं जाता हूँ एडिटर के पास और अपने 100 रुपये दे के भाई एडिट कराता हूँ वीडियो एनिमेशन की और डलवाता हूँ। अब भाई भाई डाल दे यार, अबे वीडियो डाल। मैं पहले रह रहा था हॉस्टल में, पर पापा ले गए मुझे अपने घर और वहाँ पढ़ाने के लिए। मैं तो देख रहा था खुशी से भाई, स्कूल बंद हो गई तो खुशी से मौज करूँगा, पर पापा नहीं माने और पापा लेके गए मुझे अपने घर। और ये अरे अंधेरा पापा, भाई पापा यहाँ लेके आ गए, पता नहीं क्या कहना है पापा। देखो बेटा, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ओके पापा। पापा आप टीवी के सामने से हटेंगे, वो कहना डोरेमोन का नया एपिसोड आने वाला है। वे चुपचाप पढ़ाई शुरू कर। 10th क्लास में आते ही पढ़ाई आपको बोझ लगने लगती है, आपके स्कूल की बैग कुली के बैग से ज्यादा बड़ी हो जाती है और पढ़ाई के कारण तुम्हें अपना पैशन भी भुला देना पड़ता है। स्कूल वालों का अलग ही होता है। देखो बेटा, अगर तुम एग्जाम में 99% लाओगे तो तुम्हें सबसे अच्छे वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इधर पढ़ाई से वाट लगी होती है और स्कूल वाले कॉलेज के सपने दिखाने लग जाते हैं। जी आंटी, मम्मी अभी घर पर नहीं है। अरे नहीं बेटा, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। वो पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। वो क्या है ना बेटा, हमारे पड़ोसी के बेटे के 99% आए थे। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। कमेंट करो, बताओ कैसी लगी। और हाँ, आगे भी ऐसे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।